हेलो बच्चो. बच्चों बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा है लिखा है मैच द पार्ट्स ऑफ़ द बॉडी विद देयर पिक्चर्स ओके क्या लिखा है मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी विद पिक्चर्स मतलब मतलब ये कि बॉडी के जो पार्ट्स दे रखे हैं उनको उनकी पिक्चर्स के साथ मैच करना है ठीक है कर सकते हो ओके तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है सबसे पहले लिखा है हेड तो हेड को हेड के साथ मैच करना पड़ेगा तो ये हेड है हमारा और इसको यहां हेड के साथ मैच कर दिया फिर नोज नोज को नोज के साथ मैच कर देते हैं ये नोज आई आई येडी ईयर ईयर हेयर ठीक है ये ईयर है चीक चीक ये ये देखो रेड चीक ऐसा लग रहा है जैसे तमाचा मारा किसी ने है ना मैम तमाचा मारा जोर से गाल लाल हो गया है ना हैंड ये हैंड टंग टंग माउथ नहीं उससे पहले आम है आम के लिए ओ गलती हो गई आर्म के लिए यहां लगाना पड़ेगा और हैंड के लिए यहां लगाना पड़ेगा ओके okay? तो इसको रब कर देते हैं ठीक है आगे देखिए माउथ फुट ठीक है अब क्या रह गया लेग तो लेग के लिए ये जो नीचे लिखा है ना लेग इसको यहां मैच कर हैं ये देखिए हो गए सारे मैच समझ आया तो आसान था थोड़ा सा ध्यान देना है बस सबसे पहले तो आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि जो लिखा है उसे आप आसानी से पढ़ पाए जैसे यहां लिखा है हेड है, है ना एच ई ए डी हेड नोज तो आसानी से पढ़ा जा सकता है ऐसे भी एन ओ नो जी नोज आई ई वाई ई आई ईयर ई ए आर ईयर ठीक है और अगर पढ़ना आ गया पढ़ने के बाद फिर आपको समझ आ गया कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है तो मैच करना तो आसानी है चीक है ना हमें ये भी पता होना चाहिए कि चीक किसे कहते हैं हैंड ओके हैंड यानी जो ऊपर हमने मार्क किया है दिस वन दिस वन इज हैंड ठीक है दिस थिंग इज आर्म ठीक है हमने गलती से आ, इसको हैंड बना दिया था बाई मिस्टेक और इसके बाद टंग आर्म माउथ फुट एंड लेग ओके तो पढ़ना सीखना है और बॉडी के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है क्योंकि मैच करना तो बहुत आसान है वो तो हमने देख लिया कि अगर एक बार हमने वर्ड लिखा है उसको रीड कर लिया और अगर हमारी समझ आ गया कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है तो मैच द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद पिक्चर्स दिस इज द इजिएस्ट वर्क फॉर यू ऑल्सो ठीक है तो सारे बच्चों के लिए बहुत आसान है ओके okay? चलो प्रैक्टिस करो इसकी थोड़ी सी और उसके बाद फिर कुछ नया सीखते हैं ओके थैंक यू